दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाटर स्कार्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इसके बारे में कुछ बातें तो हम लोग सीख ही चुके हैं जो क्लास 4 के चैप्टर 8 से रिलेटेड है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी, और कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब किस तरह से हम पानी को बचाएं, सुरक्षित रखें। बच्चों, आज के समय में यह एक बहुत ही जो है ज्वलंत मुद्दा है, पानी की कमी, वाटर स्कार्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आज इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कनक क्लासेस पर। वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यह कितना गंभीर मुद्दा है। वाटर इज द, आप देख पा रहे होंगे, वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स। हम सभी ह्यूमन बींग्स की जो वाटर है वो सबसे बेसिक जरूरत है, उसके बिना हम सब जीवित नहीं रह सकते। बट वाटर स्कार्सिटी इज ए मेजर इशू दैट इज राइजिंग वेरी रैपिडली इन मॉडर्न डे इन इंडिया। द प्रॉब्लम हैज बिकम टू सीवियर दैट इन मेनी स्टेट्स द ग्राउंड वाटर हैज ऑलमोस्ट ड्राइड अप एंड पीपुल हैव टू डिपेंड ऑन वाटर सप्लाई फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप देख सकते हैं कि कई स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पर जैसे ही गर्मी का समय स्टार्ट होता है लोगों को पानी की समस्या होने लगती है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है। आप सबने बच्चों देखा होगा, इस तरह का सीन आपके आसपास के मोहल्लों में भी देखने को मिल जाता होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पीने के लिए भी पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है गर्मी के दिनों में। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है और पानी सूखने लगता है। इट इज द, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन एडिशन वाटर इज द वन ऑफ मोस्ट मिसयूज्ड कमोडिटी दैट वी स्टिल वेस्ट। जो पानी है हम सब उसको एक ऐसे सामान के रूप में समझते हैं जो कि यूजलेस है और उसको हम वेस्ट करते हैं। जनरली हम सब ये करते हैं, जबकि इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अवर लाइफ। वाटर हमारे लाइफ का सेंट्रल पार्ट है, पॉइंट है, बट नॉट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अवर फोकस। हम सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों उस पानी को बचाने के लिए, वह वेस्ट ना हो इसके लिए हम सब बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। आप सब जान रहे हैं, इन पास्ट टाइम पीपुल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर एंड प्लान देयर लाइफ्स अराउंड इट। आपको पता होगा कि पहले के समय में लोग पानी के महत्व को बहुत समझते थे और उसके अनुसार उसके आसपास ही अपने घरों को बनाते थे, वहीं पर रहते थे। मोर ओवर मेनी सिविलाइजेशन ब्लूम एंड लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ वाटर। आप सब हिस्ट्री में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि न जाने कितनी सिविलाइजेशन, कितनी सभ्यताओं ने जन्म लिया और धीरे धीरे उनमें से कुछ सभ्यताओं का अंत भी हो गया केवल और केवल पानी की कमी की वजह से। तो बच्चों, यह पानी कितना महत्वपूर्ण है, वी कैन अंडरस्टैंड इट, हमें यह समझ लेना चाहिए। बट टूडे वी हैव नॉलेज बट वी स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर। आज के समय में हम लोग अपने आप को बहुत जानकार बोलते हैं, बहुत पढ़ा लिखा बोलते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं हम अपने आप को, लेकिन हम लोग वाटर की वैल्यू को आज तक नहीं समझ पाए और अभी भी हम निरंतर वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बहुत से रीजन है भारत में वाटर स्कैर्सिटी के पीछे। क्या क्या रीजन है, चलिए जरा इन पर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाटर स्कैर्सिटी इज द काज ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड एक्सेस पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। हमारा जो मैनेजमेंट है,
गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कहीं ना कहीं वो मिसमैनेजमेंट के तहत आ रही हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं। गवर्नमेंट को इस दिशा में और भी अच्छी तरह से सोचना और काम करना चाहिए। एसएस पॉपुलेशन, आपको पता है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पॉपुलेशन का मतलब होता है बच्चों जनसंख्या, दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है। तो जब लोग बढ़ेंगे तो पानी की ज़रूरत भी बढ़ेगी, लोगों को प्यास लगेगी तो उनको पानी भी चाहिए। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे वाटर का उतना ही ज़्यादा यूज होगा। इसलिए इट इज़ ए मैन मेड इशू दैट कंटिन्यूज टू राइज। ये जो वाटर स्कर्सिटी का मुद्दा है ये हम मनुष्यों द्वारा ही डेवलप किया गया है, इसमें हमारी ही टोटल गलती है, इसी कारण यह बढ़ता जा रहा है। बिसाइड सम ऑफ द रीजन फॉर वाटर स्कर्सिटी, कुछ रीजन है वाटर स्कर्सिटी के, चलिए उन पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर फूड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ वाटर शॉर्टेज के कुछ रीजन दिए हुए हैं, पहले उनको देख लीजिए। नेचुरल काजेज क्या क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, यानी हमारा जो एटमॉस्फियर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन ब दिन। लैक ऑफ रेन्स, बारिश कम हो रही है, फ्लड बाढ़ ज़्यादा आ जाता है। तो ये नेचुरल कारण है जो कि वाटर स्कर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ह्यूमन काजेज क्या क्या है, हम सब मनुष्यों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल वर्क बढ़ते जा रहा है और वो लोग वाटर वेस्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। पॉल्यूशन, वाटर जो हमारे पास है उसको हम लोग पॉल्यूट कर दे रहे हैं, गंदा कर दे रहे हैं, दूषित कर दे रहे हैं। और उसके बाद बैड कंजप्शन, यानी कि हम वाटर को इतना मिस यूज कर रहे हैं कि एक बाल्टी में अगर आपका काम हो सकता है तो उसके बदले हम 3 बकेट वाटर गिरा देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो ये कुछ कारण थे बच्चों, इसके अलावा बहुत से और भी रीजन हैं, आप उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको पता है इंडिया इज वन ऑफ द मेजर फूड ग्रोअर इन द वर्ल्ड, हमारे भारत देश में जो खेती का काम है वो बहुत बड़े स्तर पे होता है। दैट प्रोड्यूसेस टन ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड टू फीड इट पॉपुलेशन, यहाँ के लोगों को खाना जो मिलता है वह खेती के कारण ही मिलता है, फार्मिंग के कारण ही मिलता है। एंड एक्सपोर्ट इन सरप्लस दैट एक्सपोर्ट द सरप्लस दैट इज लेफ्ट, और जो बच जाता है हमारे खाने पीने से, हमारी ज़रूरतों से, उसको विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इन एडिशन प्रोड्यूसिंग दिस मच फूड रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर टू, खेती के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन, वाटर कन्वेयंस, ड्रेनेज, परकोलेशन एंड द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। जब पहले के लोग क्या करते थे, खेती करते थे तो बहुत ज़्यादा वाटर, देखिए ये कुछ तरीके हैं जिससे वाटर उस समय निकाला जाता था, वेल से, नदियों से, किस तरह से वाटर निकाल कर देखिए खेतों में भेजा जाता था। तो ये कुछ तरीके हैं, मैंने यहाँ इसीलिए इन इमेजेस को यूज किया है ताकि आप भी जान सकें कि हमारे जो पूर्वज थे, फोर फादर्स, वो कैसे खेती करते थे। आप देख रहे होंगे आप इतना ज़्यादा वाटर ये लोग खेतों में भेज रहे हैं, तो ये वाटर खेतों तक पहुंचने में इसका कुछ पार्ट वेपराइज भी हो जाता होगा और भी कई तरह से वेस्ट होता था। तो पहले खेती करने में लोग बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट करते थे, इस वजह से क्या होता था कि हमें पानी का बहुत वेस्टेज होता था। आज भी हमारे देश के बहुत से पार्ट में लोग खेती करने के लिए ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्निक ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर पानी की कमी होती जा रही है। बट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम लाइज इन द एक्सटेंसिव इरिगेशन टेक्निक्स, आपको पता होना चाहिए कि अब जो है बहुत
आप सबको पता होना चाहिए कि अब बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं जिसके थ्रू बहुत कम वाटर वेस्ट करके भी हम खेती का काम कर सकते हैं, इरिगेशन यानी सिंचाई अपने खेतों की कर सकते हैं। उसके लिए हमको करना ये पड़ेगा, माइक्रो इरिगेशन इन विच वी प्रोवाइड वाटर टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स यूजिंग ए स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। ये देख रहे हैं, ये सब स्प्रिंकलर यूज किया जाता है जगह जगह, ताकि पानी उतना ही दिया जाए प्लांट्स को जितने की उसको जरूरत है। और ये ड्रिप मेथड है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी इन प्लांट्स को दिया जाता है जितने की इसको जरूरत है, और अननेसेसरी वाटर इस सॉयल में नहीं बहाया जाता है। तो इस तरह से हम कुछ मेथड्स यूज करके जो है वाटर कंजप्शन को कम कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। उसके बाद बच्चों, जो वाटर लेवल हमारा ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता था बारिश के कारण, तो अब क्या हो रहा है कि बहुत से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है, फैक्ट्रीज लगती जा रही हैं, उसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इन प्लांट्स की वजह से ही बारिश होती है, और जब हम प्लांट्स को ही कट कर दे रहे हैं, ट्रीज को ही कट कर दे रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज सेटअप कर दे रहे हैं, तो बारिश कहाँ से होगी? और जब बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, और उसी ग्राउंड वाटर को तो हम लोग पीते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं पर भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो हमें उनके खिलाफ आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। और दूसरी चीज, देयर इज ए नीड फॉर एन इफिशियंट सिस्टम दैट कैन मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द वाटर इन अर्बन एरियाज। शहरों में पानी की सप्लाई के लिए एक बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कि सही तरह से प्रॉपर वे में लोगों के घरों तक वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। आल्सो द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्हेंस द टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट को भी नई नई टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, और जो है टेक्निक्स के द्वारा लोगों तक वाटर पहुंचाना चाहिए, ताकि कम से कम वाटर वेस्ट हो। वी शुड इंश्योर ऑप्टिमाइजेशन एट द प्लानिंग लेवल। और जब भी कोई प्लानिंग की जाती है उसको हर एक पहलू से विचार कर लिया जाना चाहिए। उसके बाद आजकल का जो हमारा आप देखते हैं टॉयलेट, वहाँ पे जो वेस्टर्न टॉयलेट है वहाँ पे हम फ्लश करते हैं, और फ्लश करने में कितना ढेर सारा वाटर जो है वेस्ट होता है। तो बच्चों, इसलिए जो मेल पर्सन है या कोई भी है, तो हमें वेस्टर्न टॉयलेट का कम यूज करना चाहिए, और जो इंडियन टॉयलेट्स हैं दैट विल बी बेटर, और वो वाटर के जो है वेस्टेज को रोकेगा। उसके बाद आप देखते हैं जो टैप वाटर होता है हमारे घरों में, कहीं पर भी अगर वो रनिंग टैप वाटर है, वाटर जो है क्लोज द रनिंग टैप्स ड्यूरिंग आप डिश वॉशिंग एंड हैंड वॉशिंग, पीपुल ऑफन लेट द टैप रनिंग। लोग क्या करते हैं, टैप को खुला ही छोड़ देते हैं, अपना हैंड वॉश किए और चलते चल दिए। आपने घर का है तब तो बंद कर देते हैं, कहीं अगर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ कहीं वाटर की ज़रूरत है, आपने हैंड वॉश किया उसके बाद उसको क्लोज भी नहीं करते हैं लोग। दीज रनिंग टैप्स वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर पर ईयर। बहुत ज़्यादा पानी नुकसान होता है इस तरह से। बिसाइड्स क्लोजिंग द टैप विल रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। अगर हम लोग टैप को क्लोज करना स्टार्ट कर दें, इस तरह से खुला हुआ देखें अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने कहीं भी आसपास, तो हम समझ लीजिए बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनके सामने भी इस तरह की सिचुएशन जरूर आई होगी, और जो लोगों ने रनिंग टैप को बंद करके वाटर को बचाया हो वो जरूर यस टाइप करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने गुड स्टूडेंट्स मेरे क्लास में हैं। उसके बाद बच्चों, आप जान रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि टैप से वाटर ड्रिप करता रहता है, ये तो रनिंग वाटर हो गया। उसके बाद बंद करने के बाद भी क्या होता है कि इन इंडिया इट इज कॉमनली सीन दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव वन और टू टैप्स दैट ड्रॉप वाटर इवन दे आर क्लोज। अगर उन टैप्स को बंद भी कर दिया जाए तो
इसके बाद भी उससे वाटर गिरता रहता है। दिस रनिंग टैप्स वेस्ट अप टू 30,000 लीटर ऑफ वाटर दैट नो बडी बोदर टू चेंज। अब बताइए, 30,000 लीटर ऑफ वाटर हर साल बेकार हो जाता। 30,000 लीटर, सो वी शुड रिप्लेस दिस टैप्स इमिडिएटली। आपके घर में अगर ऐसा हुआ हो और आपने नए टैप्स लगाए हो तो जरूर शेयर करें कमेंट करके। उसके बाद बात आती है कि टू कंक्लूड, वाटर स्कार्सिटी हैज बिकम ए मोर डेंजरस प्रॉब्लम डे बाय डे ऑल्सो ड्यू टू आवर लेनियंसी दैट वी हैव नॉट टेकन द प्रॉब्लम वाटर स्कार्सिटी सीरियसली। वाटर स्कार्सिटी को हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं बच्चों। बट नाउ द अथॉरिटीज एंड पीपुल आर वर्किंग टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन डू नॉट हैव टू बाई दिस नेसेसिटी। अगर हम लोग आज नहीं सतर्क होंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में जो हमारा फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर में जो लोग आएंगे उनको वाटर खरीद कर पीना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति हम ना बनाए बच्चों। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जल संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण मतलब आप समझ रहे हैं वाटर कंजर्वेशन। और वाटर कंजर्वेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोग नेचर को ना संरक्षण दें, नेचर को ना कंजर्व करें, प्रकृति की रक्षा ना करें। क्योंकि आप सब जानते हैं जल ही जीवन है और इसका कंजर्वेशन और सही यूज किया जाना हमारे इंडिया के फ्यूचर के लिए और उसके कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हैं वाटर स्कार्सिटी यानी कि जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके विकल्प के रूप में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। सामान्य बरसात में जो रेन बारिश होती है तो उसमें जो पानी जहाँ भी गिरता है वहाँ से बहकर दूसरी जगह पर चला जाता है। और क्या होता है कि जब अर्थ के सरफेस पर वो बहता हुआ दूसरी जगह जाता है तो उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज मिल जाती है और फिर उसको हमको पीने लायक बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट को। तो बच्चों RWH एक के सिद्धांत हैं, उनके अनुसार वाटर जहाँ भी गिर रहा है उसे वहीं पर कलेक्ट कर लेना चाहिए। इस विषय पर, इस टॉपिक पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत प्रयास चल रहा है, कानून भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सी जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब ट्राई कर रही हैं, पर सारे प्रयास सफल तभी हो सकते हैं जब हम सब देश के जो मेंबर्स नागरिक हैं वो इस प्रॉब्लम को सीरियसली समझें कि वाटर स्कार्सिटी कितनी खतरनाक हो सकती है और अपने प्रयासों को सहयोग देकर उस गवर्नमेंट के प्रयास को सफल बनाएं। आप जान लीजिए, सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी हम लोग वाटर जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी बहा रहे हैं, उसको हमें रोकना चाहिए। अगर टंकियां जो हमारे हैं उनमें टंकियों के ओवरफ्लो के बाद नालियों में पानी बहने के प्रति सजग रहना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग टंकी भाई मोटर ऑन कर दिए सबमर्सिबल और टंकी भर गई, पानी गिर रहा है, नालियों में बह रहा है, लेकिन हम लोग उसके प्रति सीरियस नहीं होते हैं। तो जो बेटा ये वाटर वेस्ट हम कर रहे हैं यही तो वेस्टेज ऑफ वाटर है। इसी के कारण तो कल हमको हो सकता है पीने के लिए भी पानी ना मिले। हमारे फ्यूचर में जो लोग आएंगे उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बच्चों आप जानते हैं, ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये तरीका होता है कि कुछ अपनी छतों पर हम पाइप का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से करें कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, छतों का बारिश का पानी इन पाइप्स के थ्रू यहाँ आ रहा है और यहाँ पे फिल्टर चैम्बर है एक तरह से, और वह फिल्टर होकर इस चैम्बर में जा रहा है और फिर हम क्या है कि घर से थोड़ी दूरी पर एक ग्राउंड में बनवाना पड़ता है, बन जाएगा एक टंकी जैसा जो है डिग करके सॉयल को खोद कर और उसमें ये पानी जाए।
उसमें ये पानी जाएगा पाइप के थ्रू, तो इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो धीरे धीरे रिचार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेन वाटर को एक जगह इकट्ठा करके अपना ग्राउंड लेवल रिचार्ज कर सकते हैं। इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं, और गवर्नमेंट इसी के लिए प्रयास कर रही है कि सबके घरों में कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि वाटर किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए जो भी नेचुरल हमारे पास संसाधन है उनका हनन नहीं होना चाहिए। पहाड़ों, नदियों और जो फॉरेस्ट हैं उनको एक सूत्र में बांधा जाना बहुत जरूरी है, और जिसके माध्यम से हम वाटर कंजर्वेशन को संभव बना सकते हैं। इसके लिए जंगलों, नदियों को हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के माध्यम से लोगों को पीने का पानी और पर्याप्त शुद्ध वातावरण एटमॉस्फियर मिल पाता है। भारत के इस जल संकट को दूर करने के लिए चार चुनौतियां हैं। कौन कौन सी? पहली, सार्वजनिक सिंचाई नहरों की सिंचाई क्षमता में हमको इजाफा करना पड़ेगा। जो भी इरिगेशन के लिए वाटर जाता है नहरों के थ्रू, कैनाल के थ्रू, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कम हो रहे भूमि जो ग्राउंड वाटर है उसको फिर से हमको रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें अपने जो भी अननेसेसरी वाटर वेस्टेज हम करते हैं अपने घरों में, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो भी हमारी जो ग्राउंड पर, जमीन पर जो भी वाटर सोर्सेज हैं, नदियाँ, झील, इनको, तालाब, इनको नष्ट होने से हमको बचाना है, ठीक है। तभी हमारा ग्राउंड लेवल रिचार्ज रहेगा, तभी जल और भारत, यानी तभी जो है हमारे वाटर का और हमारे इंडिया दोनों का फ्यूचर सेफ होगा। जब तक वाटर के महत्व को हम लोग नहीं समझेंगे बच्चों, तब तक किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो पाएगा। आपको बता दूं कि यदि समय रहते हम लोग वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि वाटर की कमी के कारण अगला विश्व युद्ध वाटर के लिए ही हो, और इसमें हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे बच्चों, हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे अगर फिर से विश्व युद्ध हुआ तो। अर्थात पूरा का पूरा जो हमारा मानव समाज है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब इसके लिए दोषी होंगे। आज मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी जो जल की स्थिति, जो हमारे वाटर के कंडीशन है, वो उस पेड़ की तरह ही है जैसे कि वह पेड़ कह रहा है कि जड़ आज मेरी उस शख्स ने काट दी, थक के बैठा था जो कल मेरी ही छांव में। बच्चों, आप समझ सकते हैं, यह एक पेड़ की व्यथा है। वह कह रहा है कि कल जो शख्स मेरी ही छाया में थक कर बैठ जाता था, आराम करता था, सोता था, आज मेरी जड़ को उसी शख्स ने काट दिया। बच्चों, हर एक पेड़, हर एक प्लांट हमसे यही कह रहे हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान देना है कि हमको जंगलों और नदियों को बचाना है, और इसके लिए हमें अपना सहयोग आगे बढ़कर देना पड़ेगा। पानी की बर्बादी को रोको बच्चों, इसके लिए आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले देश का, आने वाला भविष्य हमारे देश का आप सब ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सब इस बात को समझ गए होंगे और अपना योगदान देंगे कि किस तरह से हम लोग वाटर कंजर्व करें। और जो लोग आज इस बात का जो है प्रण करते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, वह लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको पता चल सके कि हमारे भारत देश का भविष्य सुरक्षित है या नहीं। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।